स्वागत है। सो हमारे घर के आसपास ही एक अननोन जो है एक लेक है। सो वहाँ पे हम लोग निकले हैं। सो मैं और समीर भाई है। तो समीर भाई जो है आगे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। सो दिखाते हैं। सो ये सामने वाला जो है मेन गेट है, यहाँ पे बाइक पार्किंग का है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो ये गेट है इसके अंदर से, और यहाँ से देख सकते हैं वहाँ वाटर का जो उसका पानी आता है। सो गेट के अंदर अभी जा रहे हैं हम लोग। चले समीर भाई, रेडी? इसके अंदर हम लोग घुस गए वॉट, और दोनों साइड से आपको दिखाते हैं, आगे से भी दिखाते हैं आपको। सो यहाँ से अभी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से अभी कोई सिक्योरिटी गार्ड वाला है यहाँ पे, आई थिंक सुबह सिक्योरिटी गार्ड के लिए बना हुआ है यहाँ पे, कोई रहता होगा मेंटेन करने के लिए यहाँ पे। सो फाइनली गाइस बहुत ज़बरदस्त भाई हरियाली, दोनों साइड से प्लांट लगाए चारों तरफ से, दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए दोनों साइड से यहाँ प्लांट है, लेफ्ट साइड अभी है और राइट साइड में काफ़ी दूर दूर तक हरियाली है। तो समीर भाई वॉकिंग भी अच्छा है मुझे। सो हम जहाँ रहते हैं उससे पास में ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 200 मीटर भी नहीं, लेकिन आज तक नहीं आया। तो समीर भाई है भाई साथ में, तो आ गए, चलो भाई घूमते घूमते मन लग जाएगा, नहीं तो आज तक आए नहीं है। सो यहाँ से थोड़ा स्टार्ट होना चालू हो गया, अंदर से फिशिंग भी करते हैं। सो दिखाते हैं इस साइड जो है वहाँ पर एक छोटा सा पूल है, रास्ता ऐसा क्रॉस बनाया हमें क्रॉस करने के लिए, तो आपको नेट डाल के रखा डाउन साइड में, फिशिंग वशिंग करते हैं हम वहाँ पर। फाइनली आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए लेक, यहाँ दोनों साइड से यहाँ से भी रास्ता गया है, और जो है एक जो है आपको लेफ्ट साइड से रास्ता गया है, और हम आज हम जो आ रहे हैं वहाँ पे सोसाइटी है जो काफ़ी बड़ा है, कम से कम 2 किलोमीटर अंदर रेंज में काफ़ी बड़ा है। सो अभी अंदर चलते हैं मैं और समीर भाई और घूमते हैं अंदर। पास में ही रहते हैं, यहाँ तक आए नहीं है यहाँ पे। सो बीच में जो एक आइलैंड जैसा ही बना है, वहाँ पे काफ़ी बर्ड्स है, वाइट बर्ड्स है, बर्ड पानी वाले। सो बीच में दिख रहा होगा जो यहाँ पे बना हुआ है वो आइलैंड की तरह है, मिडिल में है। और ये देखिए आपका वाटर, और वाटर भी काफ़ी क्लीन है, ऐसा नहीं कि भाई गंदगी है, काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर बहुत सारे फिश भी है, जंप मार रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए व्यू यार, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। इस साइड से भी रोड बना हुआ है, इस साइड से दूसरा साइड में, और ये साइड से जो चारों तरफ आपको दिख रहा है, जितना पेड़ दिख रहा है आपको, वो आपको पूरा गार्डन का एरिया है। और ये देखिए भाई, इसके अंदर फिश भाई जंप मार रही है, इसके अंदर पानी के बड़े बड़े फिश भी है, इसके अंदर जंप मार रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है। सो अभी देखते हैं कैप्चर होता है कि नहीं होता है। सो इसकी देखिए अभी ये घूमते हैं, 4 राउंड मारते हैं, देखते हैं और क्या क्या अंदर है भाई। कुछ आगे साइड से तो बच्चे लोग के लिए है, खेलने कूदने के झूला वाला गार्डन बना के रखा है, तो काफ़ी अच्छा है, छोटे बच्चे आके घूम इंजॉय कर सकते हैं। और एक तो आपका वॉकिंग भी हो जाएगा, बच्चे लोग का एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। और देखिए वाइट बर्ड्स है वहाँ पर, सो उठ के जा रहे हैं, सो काफ़ी अच्छा है। अभी अंदर घूमते हैं और देखते हैं कैसा नज़ारा मिलता है, अंदर से व्यू कैसा मिलता है। सो काफ़ी ज़बरदस्त था जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हम लोग। फाइनली गाइस चलते चलते कम से कम 600-700 मीटर काफ़ी अंदर आ गए हैं। सो बहुत ज़बरदस्त भाई हवा चल रही है इधर, मन खुश हो गया है यहाँ पे अंदर आके, और बहुत नीट एंड क्लीन भी इधर भी है हवा। और ये जो चारों तरफ से देख रहे हैं आपको, ये इधर भी जाली है, दोनों साइड से मारा हुआ है कि कोई बच्चे अंदर से, इधर से अलाउ नहीं है ना अंदर जाना, लेकिन ये कहीं पर कटा हुआ था तो बच्चे लोग फोटो शूट कर रहे थे अंदर जाके, लेकिन अलाउ नहीं है इसके अंदर जाना। इसके अंदर काफ़ी सारे फीस है, जंपिंग कर रही है, अभी तो अंधेरा हो गया, लेकिन व्यू जो है सुपर भाई शानदार दिख रहा है यहाँ से। और चारों तरफ से ये आप देखिए आप गार्डन के जो है पूरा चारों तरफ से आपको रोड मिल जाएगा, ऐसे दोनों साइड से जाली मारा हुआ है। सो अभी देखिए यहाँ से क्या शानदार नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, जब ये सनसेट होगा तो कमाल का दिखेगा यहाँ पर व्यू, यहाँ पर जब सनसेट होगा तो। अभी तो काफ़ी भाई क्लाउडी मूवमेंट है, तो अभी पूरा सनसेट जो है ढक के है अभी। तो समीर भाई को कुछ प्लांट देखा है, समीर बता रहे क्या है भाई? वाइल्ड पैशन फ्रूट, ये हाँ, ये जहरीला तो नहीं है ना? नो, यू कैन हैव इट। ओह व्हाई व्हाई नहीं, नो ये है भाई, रहने दो भाई, चला खाए और मर गए। नो स्वर्ग बाजार का यार, हैव इट वाइल्ड पैशन फ्रूट, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, जंगली है क्या है पता नहीं यार, आपको आइडिया है, एंजॉय वहाँ पर खाए और स्वर्ग में टपक गए। तो समीर भाई को काफ़ी जो प्लांट है भाई बता रही है, प्लांट है वो प्लांट है, मैंने ये भी समीर भाई बता रहे हैं और प्लांट है यहाँ पे, ये बीपी के लिए है। सो ये इसके प्लांट जो खाते हैं, इसको जो दिखा रहा है, इसका फ्रूट दिखाते हैं आपको, जो दिख रहा है यहाँ पे छोटे छोटे, ये फ्रूट्स है इसके। सो ये बता रहे हैं भाई कि इसको खाते हैं, इससे जो है बीपी आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, समीर भाई बता रहे हैं। इसे काफ़ी छोटे छोटे इसके भाई जो बीज है, सीड्स हैं इसके भाई, उसके है उसके ऊपर बेरीज है उसके। सो अभी अंदर और घूमते देखते हैं और क्या क्या प्लांट मिलता है, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट है, ज़्यादातर यही वाला है प्लांट है। अंदर और देखते हैं क्या क्या है। तो काफ़ी चलते चलते कम से कम 1 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। सो वॉक करने के लिए बेस्ट है भाई, जिसको भाई नेचर का भाई व्यू चाहिए तो अंदर ही आपको सिटी के अंदर मिल जाएगा,
और आपको क्लाइमेट भी सब सुपर है यहाँ पे, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लाइमेट का भाई, चलो बहुत गर्मी है और पास में ही है, ऐसा दूर नहीं है कोई भी सिटी के अंदर। और एक चीज़ है कि बेंगलोर में हर मतलब कुछ किलोमीटर दूरी पे आपको ऐसे लेक मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे बेंगलोर में जो नेचर वाइज बहुत ज़बरदस्त है, तो बेंगलोर में हर जगह पर आपको कुछ किलोमीटर पर ऐसे तालाब मिल जाएंगे। सो हम इस साइड आ गए, तालाब की साइड जो व्यू दिख रहा है आपको, सो अभी अंदर जा रहा है इस साइड वाला, अभी लेफ्ट मारेंगे यहाँ से। अभी इसके अंदर एक और पॉइंट दिखाया है, सो दिखाते हैं भाई इसके अंदर क्या है। सो मुझे लगा कि भाई जो गार्डन वाला एरिया है वही सब एरिया जाने के लिए, एक और दिखाते हैं यहाँ बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे है। सो ये देखिए बैठक बनाया है कुछ बैठने उठने के लिए, और इसके अंदर बारिश का पानी लगा हुआ है भाई, काफ़ी गंदी स्मेल आ रही है इसके अंदर से, मेनटेन नहीं है ये वाला जो है आपका, काफ़ी गंदी एरिया, यहाँ पर बैठ के टाइम पास कर सकते हो। अभी दिखाते हैं यहाँ पे कैसा दिखता है इधर क्या है भाई, वाटर फ्लो आके सो ये जो दिख रहा है आई थिंक सो होगा बारिश के लिए पानी अंदर से आता होगा, बारिश के लिए पानी अंदर आता होगा और यहाँ पे इकट्ठा होता होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे दिख रहा है जो पानी इकट्ठा हुआ है, और यहाँ पे आपको बैठक के लिए बनाए बैठ सकते हैं आप, इन्जॉय मार सकते हो, चिल कर सकते हैं शायद इसके अंदर जो है, दूसरे साइड में भी झूला वूला लगा है बच्चों के लिए, काफ़ी खेलने कूदने के लिए है, तो इन्जॉय कर सकते हैं बच्चे लोग। सो अभी हम और आगे चलते हैं, और देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है भाई, सुंदर नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, अंदर का व्यू देख के यार मन खुश हो गया यार अंदर साइड से। तो फाइनली गए समीर भाई को एक और प्लांट जो मिला है, बता रहे कुछ मेडिसिन की यूज़ होता है, सो हम लोग जो है इसको जो दिखाते हैं आपको, ये पत्ता जो है हम लोग घर के बाहर बस सजाने के लिए रखते थे भाई, सजाने के लिए ये पत्ते को तोड़ के आप ओके कूट के कोकोनट ऑयल में हीट करके लाया तो आपको कान में दर्द के लिए जो इसको कोकोनट बता रहे ऑयल को जो है उसमें हीट करके बॉईल करके और कान में डालने से उससे जो कान का दर्द कम हुआ। अच्छा, तो उससे कान का दर्द हो, तो भाई इनको भी पता है भाई, बहुत सारे प्लांट है भाई मेडिसिन में जो होता है, हमें तो नहीं पता था भाई मेडिसिन में होता है। तो बहुत सारे देखिए फ्लावर का झाड़ दिख रहा है वाइट वाइट वाइट, तो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ से व्यू देखिए, लेकर व्यू दिख रहा है बहुत शानदार है यार। सो अभी और आगे जा रहे हैं, बहुत गंदी स्मेल आ रही है, इस साइड वाला जो पार्ट्स है तो थोड़ा जो पानी अंदर का सड़ा हुआ है, अंदर साइड में जो पानी है छोटे छोटे जैसे गड्ढे बनाए हुआ है वहाँ पे, सो उसका जो है व्यू जो मतलब गंदा स्मेल आ रहा है उसका। और ये देखिए साइड से दिख रहा है और सीधे अंदर रोड चला गया है, अभी पूरा राउंड मार के पूरा गोल सा ऐसा राउंड मार के फिर जो गेट दिखा था अंदर वो गेट से हम लोग फिर बाहर निकल जाएंगे। सो इस साइड से देखिए क्या नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, और बीच में लग रहा है कि आइलैंड जो कुछ बना हुआ है, देखिए उसके ऊपर जो है दिख रहा है काफ़ी सारे बर्ड्स बैठे हैं, वाइट वाले बर्ड्स जो पानी वाले बर्ड्स हैं वो फिशिंग के लिए बैठे हैं भाई, फिश खाने के लिए जो वाइट वाले हैं। सो देखिए यहाँ से दिखाते हैं आपको क्या नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। तो फाइनली भाई समीर भाई को बहुत सारे ऐसे झाड़ प्लांट देख रहा है जिसे बोलते हैं मेडिसिन का, मेडिसिन यूज़ होता है, तो एक और प्लांट है यहाँ पर देखिए। फिर भाई इसका बताइए क्या होता है ये प्लांट का, और इसके फ्लावर भी है जो दिख रहे हैं यहाँ पे, पिंक फ्लावर है, और ये जो दिख रहा है आपको बीज काफी बड़े बड़े बीज है, और छोटे जो है हरा बीज जो है ऐसा है आई थिंक सो ये फ्लावर है, ये इसका नहीं बड़ है वो, अच्छा बड़ है कली, कली अच्छा कली हाँ जो फ्लावर का जो है कली है जो ये दिख रहा है यहाँ पे, इतना सारे छोटे छोटे पूरे ट्री पे कली है इसके, बीज है इसके, और बड़े होकर फूल बन जाएंगे या तो गोल सूख के गिर जाते हैं उसके बाद जो ब्लैक काफी बड़े हो जाते हैं उसमें से जो है फ्लावर नहीं निकलता है। तो और इस साइड से देखिए दो बिल्डिंग है बड़े बड़े, और देखिए बर्ड्स जो है पानी वाले घूम रहे हैं यहाँ पे। सो एक और ट्री है, एक कौन सा ट्री है भाई, आंवला, ओ यहाँ हो ये आंवला है, नहीं ये आंवला नहीं है भाई, ओ आंवला ये आंवले का झाड़ है, इसलिए बता रहे आंवले के आंवले के झाड़ है, लेकिन डाउट है अरे आंवला आंवला है अमित भाई, वो आंवला है ये आंवला है या गूसबेरी, ओ सुन बता रहे आंवले का झाड़ है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है थोड़ा, दे रहा हूं आपको मैं ओ प्रूफ पिछलू, तो चलो थैंक यू सो मच, कैसे बताओ कि आंवले के झाड़ है, देखो अच्छा आंवला है हाँ, क्या हमें भाई। सभी और अंदर घूमते हैं और देखते हैं क्या क्या प्लांट है। फाइनली गए समीर भाई ने जो कंफर्म कर दिया समीर भाई ने कि भाई आंवला है, तो हमने आंवला तोड़ा है और टेस्ट किया समीर भाई ने, अगर कुछ जान मान का नुकसान हुआ तो समीर भाई जो है उनका भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका। सो ये जो प्लांट था काफी छोटे छोटे और भी है इसके ऊपर, लेकिन काफी छोटे छोटे हैं अभी जो दिख रहे हैं, ऊपर बड़े हैं अमित भाई, और जो है टॉप जो है काफी बड़े बड़े दिख रहे हैं यहाँ पे। सो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या दिखाई देता है इसके अंदर, कौन क्या क्या प्लांट है, और चारों तरफ छोटे छोटे प्लांट जो डेकोरेट करते घर के बाहर वो लगाया हुआ है यहाँ पे, और ये इस साइड भी है, लेकिन इस साइड काफी जो है गंदगी है, इस साइड वाला जो गार्बेज फेंकते हैं उधर सब पूरे डम कैड है वो सब गार्बेज फेंकते हैं, तो बहुत गंदी स्मेल आ रही साइड से, लेकिन इस साइड से ज़बरदस्त व्यू है। तो अभी और घूमते घूमते आगे चलते हैं। तो समीर भाई कैसे लगा आपको ये प्लेस, ठीक है अच्छा है, जैकफ्रूट का झाड़, हाँ समीर भाई को जैक फ्रूट का झाड़ मिल गया, आंवला मिल गया, और क्या क्या मिला आपको भाई, पैशन फ्रूट मिला ओके, पैशन फ्रूट में तीसरा, चौथा क्या मिला आपको,
एक और कुछ बता, सीट बता रहे थे, सीट ये बीपी के। अच्छा हाँ, बीपी कंट्रोल करने का भी झाड़ देख गया भाई मैंने, तो ऐसा पता नहीं बीपी कंट्रोल होता। और ये जो झाड़, जामुन का झाड़ भी दिख गया। अरे जामुन एक है भाई यहाँ पे, तो दिख रहा है जामुन है यहाँ पे, थोड़े थोड़े जामुन यहाँ पे पिंक कलर के दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए पिंक कलर के झाड़ है। तो भाई एक जामुन दिखा है तो समीर भाई तोड़ रहे हैं। समीर भाई तोड़िए, तोड़ लिए, तो देखते भाई कैसा है। कच्चा है अभी, अभी पका हुआ नहीं है, लेकिन दिख गया तो भाई तोड़ लिए। समीर भाई अभी दोनों खाएंगे। और ये जो दिख रहा है आपको बादाम का झाड़ है, ये जो भाई सारा यहाँ पे प्लांट भी एक ही जगह प्लेस पे भाई 2 किलोमीटर के रेंज में सारा प्लांट मिल गया। अभी कैसे और दिखते और क्या क्या मिलता है, तो अभी और आगे ग्राउंड मारते हैं। अभी तो हाफ ही कवर किए हैं, अभी हाफ कवर करना बाकी है, तो अभी देखते हैं और क्या क्या मिलता है। और ये देखिए बम्बू का झाड़ यहाँ पे, ये झाड़ शीशम है। हाँ, ये शीशम है भाई, इतना मुझे भी पता है, मेरे गाँव में बहुत होते थे ये सब। और ये देखिए बम्बू का झाड़ भाई कितना घना है यहाँ पे, जड़े से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतना घना है कि यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो अभी जामुन अभी तक खाया नहीं है, तब रिव्यू नहीं दिए। समीर भाई बोला कि खाओ, उसके बाद रिव्यू दो, तब खा के टेस्ट करते हैं, उसके बाद रिव्यू देते हैं। अभी कच्चा है, पक्का नहीं है, बचपन में खाते थे ऐसे तोड़ तोड़ के, गाँव में होता था, अभी तो यादें बन गई है। और खाते भी तो भाई खरीद के खाते, अभी तोड़ के नहीं खाता, इसे गलती से मिलता नहीं, गलती से मिल गया पेड़ अलग बात है। हाँ, तो इसके लिए भाई एक ही, वो भी एक ही पीस था झाड़ के ऊपर, मतलब इंजॉय कर रहे, भले कच्चा है लेकिन खा रहे हैं इसको। तो पहले एक और झाड़ दिखा हम लोग को सीताफल का, तो दिखाते हैं आपको। देखिए ये सीताफल है, आए तो सीताफल लगा भी है छोटे छोटे, यहाँ पर देखिए फ्रूट्स है, इसके 4 फ्रूट्स छोटे छोटे लगे हैं। अभी इसी मौसम में बड़ा होता है, आई होप कि 1 महीने में ये बड़ा हो जाएगा। और यह अभी यहाँ पे भी एक और है, लेकिन इस पर शायद से फ्रूट नहीं लगा है, जो उस पर था उस पर फ्रूट्स था। तो भाई समीर भाई की जो है आँखें जो बहुत ज़बरदस्त है भाई, को दिख जा फ्रूट के झाड़, प्लांट मेडिसिन के झाड़, और पता नहीं क्या क्या दिखेगा बंदा भी। तो अभी और आगे क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी और देखते हैं अभी क्या क्या मिलते हैं अंदर। तो भाई इतना नॉलेज कहाँ से है भाई तुमको यार, एक्सपीरियंस हमें क्या एक्सपीरियंस मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम मेडिसिन के, तुम्हारा फैक्ट्री है, तुमको नॉलेज है, मेडिसिन बनता है क्या होते है? तो भी और आगे बढ़ते हैं। ओ पैशन है। और ये बताओ सुनिए भाई कौन सी झाड़ है यार, इससे बहुत सारे ब्लैक ब्लैक लगाए, ये कौन सी जंगली झाड़ है क्या? हाँ जंगली झाड़ है, खरीद का फूल काम आता फूल। अच्छा ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक, बहुत सारे उसके बीज है, इसके सीड है उसके, तो जंगली है। पत्रोली का भाव है, पत्रोली, ये पत्रोली। एक और भाई पत्रोली, ये पत्रोली क्या है भाई? पत्रोली मतलब सर एक्चुअली अमित भाई पहले प्लेट लेते ना। अच्छा, अब जब हम लोग खाना खाते हैं जो शादी ब्याह में घर पे आता है प्लेट्स, वो उसी से पत्ते से जो है इसका, तेलंगाना साइड में इसका प्लेट बनता है जो खाना खाते हैं उसके ऊपर। तो उसका ये जो जो ट्री था जो दिखाया था मेरे भाई ने, मैंने भी उसका आज तक ट्री नहीं देखा था, तो फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे देखा भी। और यहाँ देखिए भाई 2 बजे पानी वाला बर्ड्स है यहाँ पे घूम रहे, ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है वहाँ पर, वो पानी वाला बर्ड से घूम रहा है यार, मस्त छोटा बच्चा है। ठीक, और उसके आगे निकला है जो ब्लैक दिख रहा है वहाँ पे, वो भी पानी के अंदर था, दूसरा वाला भी निकला, तो खाने की तलाश में भी भटक रहे ये लोग। और यहाँ से देखिए क्या नज़ारा, जबरदस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से। चारों साइड आगे जब फ्रंट चलो रोड भी आती है, जो सब गाड़ी चलती है उस साइड जो है। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ से आपको गार्डन का जो व्यू मिलेगा बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, और चारों तरफ हरियाली हरियाली, पेड़ पौधे भी पड़ रहे हैं यहाँ पे, तो कोई ऐसा नहीं भाई प्रॉब्लम, घूमने के लिए बहुत बेस्ट प्लेस है। तो अभी हम लोग अभी और आगे देखते घूमते हैं और क्या क्या भाई मिलता है। समीर भाई तो लग गया भाई मेडिसिन और प्लांट खोजने में, लगा है भाई कहाँ क्या दिखता है भाई, उसकी नज़र इसी पे, कौन सा प्लांट किस काम आता है वही बता रहा है सर्च करके। अभी देखिए उसका ध्यान भी उधर ही है, वो प्लांट जो है समीर भाई देख रहा है कौन सा ट्री कौन क्या काम आता है। देखिए अभी बंदा सर्च कर रहा है। क्या समीर भाई कुछ और मिला? नहीं मिला, तो बाकी जो है सिमिलर ही मिल रहा है। अभी आ गया, नीम का झाड़ भी दिख गया तुमको, ये तो पता ही क्या भाई किस काम आता है भाई, दांत धोने का काम आता है, बहुत मेडिसिन यूज़ करता है हर चीज़ में, पुराने ज़माने में बहुत यूज़ किया करते थे, अब जो है कोई भाई उससे धोता नहीं, गांव में ही धोता है क्योंकि बोलते हैं भाई बहुत तीखा होता है। यहाँ पे एक और झाड़ है उसका, और दूसरे साइड देखिए भाई दूसरे साइड भी है, गार्बेज फेंकते हैं तो उधर साइड जो काफ़ी गंदगी है, लेकिन इस साइड बहुत ज़बरदस्त व्यू है। अभी देखिए यहाँ से भी और नज़ारा दिखेगा, अभी यहाँ तो पूरा ओपन हो गया, तो यहाँ से पूरा ओपन पूरा आपको लेकर व्यू दिखेगा आपको। हम लोग जो आए थे आपको दिखा रहे, जो वो कॉर्नर दिख रहा है उस कॉर्नर से हम लोग आए थे, हम लोग जो व्हाइट वाला जो बिल्डिंग है उस कॉर्नर से आए थे ऐसे। और अभी धीरे 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 कम से कम 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, अब ये पूरा ऐसे आगे सीधे स्ट्रेट स्ट्रेट जाकर फिर वहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे और सीधे स्ट्रेट जाएंगे, फिर जो वहाँ से लेफ्ट लेंगे उसके बाद जो है उसी गेट से हम लोग बाहर निकल जाएंगे।
सो अभी और भी है हाफ एन आवर्स जो भी है कंप्लीट करना, हाफ एन आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे और भी कुछ मिलता है तो। तो समीर भाई जो है सब उसी में देख रहे हैं भाई क्या और क्या क्या मिलता है। समीर भाई को भाजी उजी मिले हो मिल जाए घर पे ले जाएंगे मस्त बनाएंगे यार, जो और भाजी मिलता है हाँ भाजी मिलता तो और कोई तोड़ लेता, रखता नहीं यहाँ पे भाई मुश्किल है। सो अभी आगे और घूमते हैं तो चलते चलते काफ़ी अंदर आ गए तो अंदर का जो व्यू जबरदस्त है तो दिखाते हैं आपको, ऐसा लग रहा है किसी और दुनिया पहुँच गए हैं। सो लाइटिंग भी चालू हो गई है, सो देखिए अंदर से सन्नाटा पूरा हो गया है अभी, और जो जंगल में साउंड आते हैं ना सांप झिंगूर का उस टाइप की आवाज़ आ रही है चारों तरफ से ऐसे आ रही है, ये आवाज़ बहुत कम मिलेगा। आप माउंटेन साइड जाओगे तो विलेज साइड जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। सो देखिए आपको आवाज़ आएगी ध्यान सुनेंगे तो आप, जो चारों तरफ जो है आपको उसी की आवाज़ आ रही है, झिंगूर की आवाज़ आ रही है इसके अंदर। और यहाँ से देखिए ज़बरदस्त लाइट स्टार्ट हो गया, ये जो 7 बजे बंद हो जाता है तो धीरे 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 हम यहाँ से आगे जाके फिर आगे से हम लोग निकल जाएंगे। सो अभी इंजॉय करते हैं यहाँ पे लास्ट मोमेंट हम लोग का यहाँ पे। एक और पॉइंट आ गया भाई, गटर का नाला बह रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा गटर के पानी से ही साइज 300 लगा लेक जो बना है या जो दिख रहा है यहाँ पे। सो दिखाते हैं ये जो देखिए पूरी गंदी स्मेल आ रही है और पूरा माउंटेन साइड से होते हुए पूरा मतलब सोसाइटी का ही पानी है पूरा यहाँ आसपास जो भी है सोसाइटी यहाँ पे सिटी है उसकी पानी बहुत गंदी स्मेल आ रही है। ये पानी जो है आपका इस साइड चला जाता है जो, और आपको दिखाते हैं इस साइड वाला आप देखिए यहाँ पे, और पानी कितना गंदा है पानी यार, पूरा प्रदूषण प्रदूषित कर रहा है पानी को यार। देखिए गाज गाज जुटते हैं जो भी इसे मच्छी जीव जंतु होंगे यार वो भी बीमार पड़ जाते होंगे यार, जो भी बर्ड्स खाना खाते होंगे वो भी बीमार पड़ जाएंगे यार। तो पूरी जो इस पानी जो गटर वाली पानी से शायद बना हुआ, आगे तो स्मेल नहीं आ रही थी लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्मेल है, तगड़ी स्मेल है यहाँ से। सो जो पूरे जो एरिया जो है उसकी पानी यहाँ पे इसको छोड़ते हैं इसमें, तो लेकिन छोड़ नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी अंदर जो है पानी नीट और क्लीन है साफ़ सुथरा है, और इसको भाई पानी छोड़ के यार पूरी मतलब पूरी पानी को दूषित कर दे रहे हो ख़राब कर दे रहे हो तो मतलब नहीं है यार यहाँ पे यार, कम से कम टूरिज्म प्लेस बन गया यार, उसके बाद जो आप लोग गटर का पानी छोड़ते तो अच्छा नहीं है यार। और ये देखिए व्यू क्या दिख रहा है अंदर से, ऐसा लग रहा है भाई किसी और प्लेस में हम लोग पहुँच गए जो अंदर से जो दिख रहा है आपको, और काफ़ी देखिए शानदार भाई नज़ारा है। अभी लाइट चालू हो गया तो और ज़बरदस्त दिख रहा है। सो यहाँ लेक का भी तो और चार चांद लगा दे रहा है यार, और यहाँ अंदर से देखिए रोड यार, सो अंदर वाला रोड भी कमाल है अभी, ऐसा पूरा मतलब मिट्टी का ही है मतलब कंक्रीट से लगाया बनाया नहीं है, पूरा नेचर वाइज रखा हुआ है यहाँ पे। अभी स्मेल चली गई वहाँ पे काफ़ी तगड़ी स्मेल थी, तो अभी घूमते घूमते अभी और है हम लोग का जो है 1 किलोमीटर से ऊपर ही है। सो ये देखिए व्यू यहाँ से। सो हम लोग जो है समीर और मैं जो है काफ़ी अंदर आ गए, जो गार्डन वाला एरिया है सबसे पीछे से आगे मिडिल में आ गया उसके। सो जो आइलैंड टाइप का दिख रहा था वो आपको दिखाते हैं यहाँ से, अभी तो अंधेरा होना चालू हो गया है। सो आपको दिखाते हैं जो बीच में अभी एक यहाँ से पानी पूरा क्लीन है, और ये बीच में जो दिख रहा है गोल आइलैंड टाइप का दिख रहा है वहाँ पे, और उसमें काफ़ी सारे बर्ड्स है जो पानी में जो फिश पकड़ते हैं, और काफ़ी सारे बर्ड्स बैठे हैं उसके ऊपर, और आपको बर्ड्स भी और भी सारे आ रहे हैं। अभी क्लाउड में मूवमेंट चेंज हो रहा है भाई, तो और भी बर्ड्स आ रहे हैं उसके अंदर, और देखिए यहाँ क्या शानदार नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। तो समीर भाई कैसा लगा आपको? अच्छा है ना, टाइम पास के लिए बेस्ट है, अगर जल्दी आते तो और मज़ा आता। हाँ जल्दी आते तो और मज़ा आता है, और जॉगिंग करने के लिए भी बेस्ट है, जॉगिंग कर सकते हो काफ़ी बड़े एरिया में है, कम से कम वॉकिंग करने के लिए अच्छा है, कम से कम 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज में है पूरा अगर एरिया मिला दिया जाए तो, और लाइट वेट की भी व्यवस्था है, लेकिन 7 बजे वही बंद हो जाता है क्योंकि इधर इस साइड एरिया में काफ़ी सांप निकलते हैं, बहुत ज़्यादा सांप निकलते हैं, और ये सांप जो होते हैं जो सामने वाला बिल्डिंग जो दिख रहा है आपको उसके अंदर भी चले जाते हैं, बहुत सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सांप निकलते हैं उधर भी। तो जो ये है नेचर वाइल्ड है, सो आप ऑफकोर्स कि जो भी दिख रहा है आपको दूसरे वाला पार्ट जो है ये उधर भी सांप बहुत ज़्यादा होते होंगे, सो निकलते होंगे और इस साइड से जंगल से क्रॉस करके सोसाइटी में चले जाते हैं यहाँ पे। सो अब देखिए व्यू, और उसके ऊपर जो दिख रहा है आपको काफ़ी बड़े बड़े बर्ड्स हैं, छोटे मोटे बर्ड नहीं काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये देखिए बगुला यहाँ से उड़ के गया है यहाँ से, सो दिख रहा है वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े बर्ड्स हैं वहाँ पे। सो अब वीडियो यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी अभी थोड़ा टाइम हो गया है, तो वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच गाइस। और आसपास ये जो पीकॉक की आवाज़ आ रही है, इसके अंदर आज पीछे साइड जो एरिया है उधर पीकॉक भी है। सो ऑफकोर्स वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने।